घर में अगर आप कहीं से चोरी करके, सॉरी मतलब चोरी करके कह रहे हैं, आपको पॉकेट मनी जो चोरी करके जो आपको पॉकेट मनी मिलती है इधर उधर से पैसा मार के, जो आपको पॉकेट मनी मिलती है जब ज्यादा हो जाती है तो हम लोग यही तो सोचते हैं अब क्या करें इतने पैसे, ये मेरे को तो हफ्ते में 100 की आदत थी, ये 2000 की पत्ती तो गलत चुरा ली, अब इसका क्या करूं मैं, क्या खरीद लूं, ताजमहल है ना। तो बच्चों पैसा बहुत बड़ा बवाल है बच्चों, है ना, और आपकी सारी परेशानी सारी तकलीफ सब मैं रखना चाहता हूँ बच्चों, आपके लिए बच्चों मैं यहाँ खड़ा हूँ, सिर्फ आपके लिए, सबकी जितनी भी तकलीफ है जितना भी पैसा रुपया गाड़ी बंगला है उसको आप मेरे को डोनेट करके आप खुशी की एक सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, है कि नहीं। बड़े बड़े बाबाओं को देखा है लेक्चर देते रहते हैं ऐसे ही पैसों पे, है ना, उसके बाद देखो बाबा किस गाड़ी से उतर रहे हैं, कुछ बड़ी सी ऑडी से उतर रहे होंगे बाबा, और बाहर आके बोलेंगे पैसा तो है, बाबा के हाथ में देखो सोने की अंगूठियां है, है ना, बाबा कहीं प्राइवेट वीडियो निकलेगा तो भैया बढ़िया सोफे पे एकदम अच्छे शानदार फ्लैट में बैठे होंगे, आईफोन ले, पैसा तो मुंह है, तो मैं भी वैसे ही बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना प्यारे बच्चों। वो सुना है कि बाबू राव बोलता है पैसा क्या है रे हाथ की मैल है, इससे एक मोटिवेशन स्पीकर का एक बहुत अच्छा मिलता है, जिंदगी में पैसे की नहीं जरूरत है, जितनी गाड़ी है गाड़ी में कभी पेट्रोल ओवरफ्लो हो जाता है कि ज्यादा भरा लो तो क्या होता है, और हमारी गाड़ियों में तो होता है, तुम लोग तो अमीर हो, लक्ष्य बैच में तो अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारी गाड़ियों में नहीं होता, हम लोग की नॉर्मल स्प्लेंडर स्प्लेंडर होती है, स्प्लेंडर प्लस होती है, ठीक है, अमीर स्प्लेंडर नहीं स्प्लेंडर प्लस, तो पैशन प्लस, इसमें क्या होता है बच्चों ज्यादा पेट्रोल भरा लो तो ओवरफ्लो होता है, तो यही जिंदगी की तो बात है, अगर जिंदगी में ज्यादा पैसा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी गाड़ी नहीं चलेगी, जिंदगी में पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल। बहुत ही प्यारी स्टोरी याद आ गई, बहुत ही प्यारी, पता है एक बार एक गांव में एक बंदा था, वो खेत के किनारे लेटा हुआ था, खेत में साइड में खेत के किनारे मतलब वहाँ पे खेत में सिंचाई के लिए पानी जाता है ना, इरीगेशन कहाँ से होती है, इरीगेशन के लिए वहाँ से वाटर रेंज आ रही थी, वहाँ पे किसान टाइप का गरीब किसान नहीं था, गरीब किसान बोलते हैं, किसान इधर मेरे भाई किसान और हमारे देश के सोल्जर्स डॉक्टर ने तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अभी तुम छोटे बड़े हो समझ में आया क्या स्ट्रगल करें, नहीं है स्टोरी का, एक बहुत गरीब इंसान था लेटा हुआ था खेत में, तो वहाँ पास से एक आदमी जा रहा था एकदम बढ़िया कार वार से स्कूटर वूटर, तुम्हारे जैसा अमीर, जैसा कि यूट्यूब बच्चे कहते हैं कि लक्ष्य बैच में अमीर पढ़ते हैं, तुम्हारे जैसा कोई इंसान जा रहा था, वो कहता है यार तुम लेटे क्यों, हाँ यहाँ पढ़े क्यों, तो बोला क्यों साहब क्या करें, बोला उठो मेहनत करो, कहता है सर क्यों मेहनत करें, कह मेहनत करो यहाँ पे फसल आएगी, मेहनत करो या तो मतलब ईटा ढो या सामान ढो या जो भी बच्चों को पढ़ाओ जो मेहनत करो, कहता है सर क्यों करें ये काम, कहते हैं पैसा आएगा, तो बंदा बोलता है सर पैसे से क्या होगा, तो पैसा आएगा तुम अच्छे कपड़े पहनोगे अच्छे घर में रहोगे, बोले बंदा बोला सर इससे क्या होगा, अच्छे घर में रहने से अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारी शादी अच्छी जगह होगी, तुम्हारी फैमिली बढ़िया बनेगी, समाज में तुमको इज्जत मिलेगी, समझा रहा, तो बंदा बोलता है सर फिर उससे क्या होगा, बोले इससे क्या होगा तुम बहुत खुश होगे सुकून होगा, तो इंसान बोलता है अभी हम क्या कर रहे थे, खुशी से सुकून से सो रहे थे, निकलो यहाँ, ठीक है, तो हैप्पीनेस सबकी अपनी अपनी जगह होती है, हैप्पीनेस इज नॉट इन मनी,